जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि बिहार में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत किया गया है, जिससे कि सभी राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। और दोस्तों इसका शुरुआत जो है 2 मार्च से 12 मार्च तक जो है इसमें सारे का राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाया जाना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से आप अपना राशन कार्ड से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं बिल्कुल घर बैठे, किस प्रकार से आप आधार EKYC करके जो है आप बिल्कुल आसानी से अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और अपना आयुष्मान कार्ड बना करके डाउनलोड कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने का जरूरत है ना, आपको CSC सेंटर पे जाना है और ना ही आपको जो है अपने PDS यानी कि राशन शॉप पे जाना है। आप अपने घर से अपने मोबाइल से जो है आप बिल्कुल आवेदन कर पाइएगा और अपना राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना पाइएगा। अगर दोस्तों अभी तक आपने अपना राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है तो इस वीडियो को पूरा तक देखिएगा, तभी जो है ये आपको जानकारी मिलेगा कि किस प्रकार से आप अपना राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, वो भी घर बैठे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वीडियो के नीचे आपको रेड बटन दिख रहा होगा, उसे दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों बिहार सरकार की तरफ से बोला गया था कि आप 2 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक सभी राशन कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत दिन से ये आयुष्मान कार्ड बन रहा है, लेकिन जो भी लोग अभी तक आयुष्मान कार्ड नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि CSC सेंटर पे जाते हैं बहुत भीड़ होता है या फिर PDS राशन शॉप पे जाते हैं तो बहुत भीड़ होता है, इस वजह से नहीं बना पाए हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपका राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड नहीं बना है किसी भी कारण से, तो आप जो है आप अपना अपने मोबाइल से ही अपना आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं, वो भी आधार EKYC करके ना। अगर आपके आधार के साथ मोबाइल भी नंबर नहीं जुटा है तब पर भी जो है आप अपना राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना पाइएगा। मैं आपको आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। तो चलिए हमारे मोबाइल स्क्रीन पे और समझते हैं कि किस प्रकार से जो है अपने मोबाइल से आपको राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाना है। मोबाइल स्क्रीन पे आ जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हम जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड के ऑफिशियल ऐप पे है, तो आपको ये ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से कि आप डायरेक्टली इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड कर लेने के बाद जो है आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपको बेनिफिशरी या और ऑपरेटर दिखेगा, तो यहाँ पे जो आईडी आपके पास है वो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपके पास ऑपरेटर आईडी है तो ऑपरेटर सेलेक्ट करना है, बेनिफिशरी आईडी है तो बेनिफिशरी आईडी सेलेक्ट कर लेना है। तो बेनिफिशरी आईडी पे सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। आप सोच रहे होंगे कि बेनिफिशरी आईडी कहां से मिलेगा, तो दोस्तों आपको डायरेक्टली जो है अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप वेरीफाई पे क्लिक कर दीजिएगा तो OTP चला जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बेनिफिशियरी पे क्लिक करने के बाद जो है आपको कोई भी आईडी क्रिएट करने का जरूरत नहीं है, बस आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो आप अपना मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर डाल करके वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस पर OTP चला जाएगा, और वो OTP जाने के बाद जो है आपको वो OTP फिलअप कर देना है, साथ ही जो है आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चर डाल देने के बाद जो है यहाँ पे आपको लॉगिन कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जो है आपका प्रोसेस चला जाएगा। प्रोसेस होने के बाद दोस्तों आपका जो है डैशबोर्ड आपका लॉगिन होकर के चले आएगा। डैशबोर्ड लॉगिन हो जाने के बाद जो है आपको यहाँ पे दिखेगा सर्च फॉर बेनिफिशियरी, यानी कि जो आपका जिसका बनाना चाहते हैं उसका यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के लिए स्कीम पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपको PMJY सेलेक्ट करना है। फिर जो है आप अपना स्टेट सेलेक्ट करके अपना स्टेट डाल देना है और उसके नीचे में आपको जो है सब स्कीम डालना है। सब स्कीम में भी आपको यहाँ पे PMJY सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद जो है नीचे में आपको आप क्या चीज से सर्च करना चाहते हैं बेनिफिशियरी का डाटा और आपको वो यहाँ पे डाल देना है। उसके लिए मैं बोलूंगा आधार नंबर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आधार नंबर बेस्ट आता है, क्योंकि सबके राशन कार्ड के साथ आधार नंबर जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो है आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, जिसका कि आप आयुष्मान कार्ड बनाना चाहते हैं उनका आधार नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिए। आधार नंबर डाल देने के बाद जो है यहाँ पे आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है फिर से प्रोसेस लेने लगेगा, और उसके बाद जो है कुछ देर के बाद आपका यहाँ पे जो है
है सर्च हो करके डाटा आ जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो डाटा का सोर्स लिया गया है वो PHH से लिया गया है, यानी कि जो है ये राशन कार्ड का डाटा है, और ये बिल्कुल नया डाटा यहाँ पे जो है ऐड किया गया है अभी। और ये जो डाटा है मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है यहाँ पे डाटा ऐड किया गया है बिहार सरकार की तरफ से। और दोस्तों यहाँ पे जो है आपको जिनका भी बनाना है तो यहाँ पे जो है आपको सारे का लिस्ट खोल करके आ जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे मैंने जो है एक बना करके सबसे पहले टेस्ट किया था और यहाँ पे जो है सक्सेसफुली बन गया और कार्ड भी डाउनलोड हो गया। तो जिनका कि आपको बनाना है उन पे जो है आपको डू KYC पे क्लिक कर देना है। डू KYC पे क्लिक करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने के लिए बोलेगा, कि यानी कि आप जो इसका डैशबोर्ड लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है यहाँ पे परमिशन देना होगा, आप किसी एक फैमिली मेंबर से यहाँ पे आपको वेरीफाई करवाना होगा। और यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं वेरीफाई करने को लेकर के, तो हमने यहाँ पे जो है आधार फेस का यूज करने वाले हैं। आधार फेस पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे टिक मार्क लगा देते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे फोन में OTP चले आएगा और साथ में जो है यहाँ पे आधार फेस खुल जाएगा। तो आधार फेस खुल जाने के बाद जो है यहाँ पे आपको जिनका कि आप बना रहे हैं उनका यहाँ पे आपको फेस स्कैन कर देना है ताकि आपका डैशबोर्ड ओपन हो सके। हमने यहाँ पे फेस वेरीफाई कर दिया है और जो हमारे फोन में OTP आया है वो OTP डाल देना है। OTP डाल देने के बाद जो है यहाँ पे आपका डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाएगा। डैशबोर्ड ओपन हो जाने के बाद आप जिनका बनाना चाहते हैं उनको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं आदित्य आर्या का बनाना चाहता हूँ तो वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद जो है आपको फिर से यहाँ पे वेरीफाई करना होगा, तो फिर से हम लोग यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे टिक मार्क लगा करके एलाओ पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद जो है हमारे फोन पे फिर से OTP चले आएगा और यहाँ पे जो है हमारा कैमरा खुल जाएगा उसका फेस को फिर से वेरीफिकेशन करने के लिए। तो हम लोग जो है उसका यहाँ पे फेस दिखा करके फिर से वेरीफिकेशन कर देते हैं। दोस्तों हम लोग फेस दिखा करके इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो ये फेस दिखा करके जो है आप आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि हमारा यहाँ पे जो है आधार वेरीफाई हो गया फेस दिखा करके, और जैसे कि देख सकते हैं हमारा जो है इतना परसेंट यहाँ पे मिल गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी का एक फोटो क्लिक कर लेना है जो कि आपके आयुष्मान कार्ड में आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक फोटो डाल देते हैं बेनिफिशियरी का। फोटो क्लिक कर लेने के बाद जो है यहाँ पे टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद जो है यहाँ पे आपका फोटो अपलोड हो जाएगा और उसके नीचे में आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको डालना है, जैसे कि मोबाइल नंबर आपका, आपका जो है राशन कार्ड धारक से इस बेनिफिशियरी का क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद जो है आप किस स्टेट से आते हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, आपका पूरा पता यहाँ पे जो है आपको डाल देना है। पूरा पता आपको डाल देने के बाद जो है आपको सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, आपका जो है सक्सेसफुली हम लोगों ने जो है यहाँ पे आयुष्मान कार्ड का अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे जो है हमारा आयुष्मान कार्ड अप्लाई हो चुका है, हम लोग ओके पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही दोस्तों आप ओके पे क्लिक कर दीजिएगा तो दोस्तों जस्ट ही यहाँ पे अप्रूवल हो जा रहा है अभी। कभी कभी जो एक घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर में जो है आपका अप्रूवल हो जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी जो है जस्ट अप्रूवल हो जा रहा है। तो चलिए आप लोग, हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जो हमने अभी आयुष्मान कार्ड बनाया राशन कार्ड से उनको डाउनलोड किस प्रकार से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है इसी पेज पे वापस आ जाना है, और यहाँ पे आ जाने के बाद जो है आप जिसने जिसका भी अप्लाई किया है उस पर अगर आप क्लिक कीजिएगा तो आपको जो है कुछ इस प्रकार का एरर देखने के लिए मिलेगा। अगर कुछ इस तरह का एरर आपको आ रहा है तो आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों आपको क्या करना है, किसी दूसरे पे क्लिक करना है, दूसरा जो फैमिली मेंबर है उस पर क्लिक करना है, चाहे उसका बना हो या फिर नहीं बना हो। तो हम लोग जो यहाँ पे फिर से डू KYC पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे जैसे डू KYC पे क्लिक करने के बाद जो है हम लोग जिनका बन गया है उनका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे ही उनका सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर पे जो है आपको डाउनलोड कार्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप डाउनलोड कार्ड पे क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ समय आपका यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपका पूरा कार्ड जो है जितना भी मेंबर का आपका कार्ड बना है वो यहाँ पे आपका कार्ड जो है शो करेगा, इसलिए जो है आपका यहाँ पे कुछ समय लोडिंग लेगा। जैसे ही दोस्तों लोडिंग पूरा हो जाएगा तो आपका यहाँ पे जिन लोगों का भी जो है फैमिली में कार्ड बना है वो यहाँ पे दिखेगा। आपको जिनका डाउनलोड करना है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने आदित्य आर्या का बनाया था तो हम लोगों ने जो यहाँ पे आदित्य आर्या का पे क्लिक किया और उस पर डाउनलोड पे क्लिक करके हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे डाउनलोड हो गया है, हम लोग इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेने के बाद जैसे ही दोस्तों आप देखिएगा तो यहाँ पे जैसे आज का डेट दिखा रहा है, जो हम लोगों ने इसको बनाया है आज के डेट में, तो आज का डेट दिख रहा है।
तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग आवेदन कर सकते हैं, राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं आवेदन करके। जैसा कि मैंने आपको आवेदन करने के लिए, डाउनलोड करने के लिए पूरा तरीका बता दिया कि किस प्रकार से जो है आपको राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाना है और किस प्रकार से उसको डाउनलोड करना है। तुरंत यहाँ पे डाउनलोड हो जा रहा है आपका, जैसे ही अप्लाई करते हैं अप्रूवल हो जा रहा है और डाउनलोड हो जा रहा है। तो कुछ इसी प्रकार से दोस्तों आप राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया कि किस प्रकार से जो है अपने मोबाइल से आपको अपना राशन कार्ड से आयुष्मान कार्ड बनाना है, वो भी फेस दिखा करके। कोई भी मोबाइल नंबर का जरूरत नहीं है यहाँ पे, आपको आधार के साथ लिंक होना चाहिए ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको अपना फेस दिखा करके जो है अपना आयुष्मान कार्ड बना लेना है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर उसका भी राशन कार्ड है और उसका भी राशन कार्ड से अभी तक उन्होंने जो है आयुष्मान कार्ड नहीं बनाया है तो जल्दी जल्दी बना ले, क्योंकि ये 12 तारीख तक ही बनेगा, जहां तक कि जो सरकार की तरफ से सूचना निकाल कर जानकारी बताया गया था कि 2 मार्च से 12 मार्च तक ही ये बनेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।